तो दोस्तों, अगर आपने ट्रू बैलेंस, ब्रांच, क्रेडिट बी या किस्त, इन चार एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही अच्छी वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इन चार लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, बात बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? बात है चार ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि NBFC रजिस्टर्ड हैं, जिनका लोन अगर आप नहीं चुकाते हैं तो फिर आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ऐप की अगर बात करूं तो यह है ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको बता दूं कि इसकी जो NBFC है वो है ट्रू क्रेडिट्स, और ये NBFC रजिस्टर्ड है, RBI की वेबसाइट पर लिस्टेड भी है। ठीक है, आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। और ये जो लोन ऐप लोन प्रोवाइड कराते हैं, ये लोन प्रोवाइड कराते हैं पर्सनल लोन। ठीक है, अब दूसरी जो लोन एप्लीकेशन का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ वो है ब्रांच, ब्रांच पर्सनल लोन ऐप। ठीक है, तो इसकी जो NBFC है वो है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये इसकी NBFC है और ये भी RBI की वेबसाइट पर लिस्टेड NBFC है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिट बी, क्रेडिट बी की जो NBFC है वो है क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा ये जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, इनके पार्टनर्स हैं वो हैं नॉर्दर्न ARC कैपिटल। ठीक है, इनके द्वारा भी लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इनकी भी जो ये जो दोनों NBFC हैं ये लिस्टेड हैं RBI की वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस्त की, क्या ही कहने हैं, आप समझते हैं ना। तो इसकी NBFC है SI क्रेवा, RBI की वेबसाइट पर लिस्टेड NBFC भी है। ठीक है, अब इन चारों लोन एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। तो जो ट्रू बैलेंस है, इनका जो लोन सिविल में शो होता है, और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमारे पास ये बताया है कि उनके पास ट्रू बैलेंस की तरफ से लीगल नोटिस आया है जब उन्होंने लोन नहीं चुकाया है। मतलब सिविल में अपडेट हुआ, सिविल स्कोर भी ख़राब हुआ, उसके बाद लीगल नोटिस आया है, उसके बाद फाइनली एक सब्सक्राइबर ने सेटलमेंट किया था, जिससे उनका सेटलमेंट करने के बाद सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। ऑलरेडी अगर आप किसी लोन की EMI पे नहीं करते, समय पर नहीं चुकाते हैं, तो वो जो NBFC होती है वो सिविल को रिपोर्ट करती है और वहाँ से आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। तो सिविल स्कोर उनका दो तरफ से ख़राब हुआ, एक तो NBFC ने रिपोर्ट किया, दूसरा उन्होंने वो रकम सेटल कर ली। ठीक है, सेटलमेंट में आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है और आपके सिविल में लिख जाता है कि ये अमाउंट सेटल हुआ है। ठीक है, ये NBFC का इन्होंने अमाउंट सेटल किया है, सेटल लिख कर आता है वहाँ पर। तो ये कुछ डिटेल्स थी ट्रू बैलेंस की तरफ से। तो अगर आप ट्रू बैलेंस का लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको लीगल नोटिस प्राप्त हो सकता है, और अगर आप उसका भी जवाब नहीं देते हैं तो फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा है जिन्होंने इन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हो और वो कोर्ट के चक्कर काट रहा हो, अभी तक मेरे सामने नहीं आया। हो सकता है हो ऐसा। खैर, अब मैं आता हूँ दूसरी ब्रांच पर्सनल लोन ऐप पर। ठीक है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, डिटेल में पता नहीं है। ये सैलरीड लोगों के लिए लोन देते हैं, शायद 35,000 सैलरी होना चाहिए इससे लोन लेने के लिए, ऐसा कुछ है। और आप बाकायदा देखिए, चेक कीजिए, ट्राई कीजिए। तो इनकी भी NBFC मैंने आपको बता दिया था, ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो अगर आप इनका लोन भी सिविल में शो होता है, अगर आप इनका लोन नहीं चुकाते हैं तो भी आपको परेशानी हो सकती है, आपके पास लीगल नोटिस आ सकता है इनके द्वारा, या फर्दर प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो है क्रेडिट बी। यार, इस लोन एप्लीकेशन का ना मैं सच में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसकी बजाय हमारे एक रूम पार्टनर थे, उन्होंने इस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया और एज ए मतलब ट्राई कर लिया कि यार वाकई ये लोन एप्लीकेशन क्या लोन देती हैं। उन्होंने लोन लिया और फिर उन्होंने इसका लोन नहीं चुकाया। लॉकडाउन से पहले लोन लिया था, लोन नहीं चुकाया। हो सकता है उसकी वजह से उनका शायद कुछ सिविल स्कोर भी हैम्पर हुआ था। तो उसके बाद अभी तक उनके पास कोई कॉल नहीं आई थी। लॉकडाउन के समय में कॉल आई थी, एक दो कॉल्स आई थी, और दिसंबर तक भी शायद उनके पास कोई कॉल आई थी या नवंबर में कॉल आई थी,
लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से उनके पास कॉल नहीं आ रही है, और सडनली एक मैसेज आता है उनको, और मैसेज क्या है आप स्क्रीन पर देख सकती हैं कि क्रेडिट बी की तरफ से 100% वेवर दे दिया गया है पेनल्टी का, और 100% वेवर दे दिया गया है इंटरेस्ट का, ठीक है, जो कि उन्होंने लोन अवेल किया था नॉर्दर्न ARC कैपिटल से। और ऐसा बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बताया कि क्रेजी बी सर्विसेज से भी यही ऑफ़र दिया गया है, ठीक है। तो ये कैसे लोन पर दिया गया है ये तो मुझे नहीं पता डिटेल में, आप उनके कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं। तो जहाँ तक है मुझे ऐसा अंदाज़ा लगता है कि लॉकडाउन से पहले जो लोन लिया गया है शायद उस लोन पर ऐसा कुछ वेवर दिया गया है। बाकी आप जानकारी ले लीजिएगा, मैं पूरी तरह से इस चीज़ से वेरीफाई मैंने नहीं किया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लोन एप्लीकेशन की बात करूँ तो किस्त, इसका नाम सुनते ही ना काफ़ी सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका लोन चुकाना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप इसका लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको दिक्कत क्या होगी, दिक्कत सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो SI क्रेबा है ये सिविल में लोन अपडेट करते हैं SI क्रेबा के नाम से, पता होगा आप लोगों को भली भांति, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है खास। तो SI क्रेबा और ब्रैकेट में लिखा हुआ था किस्त, और सिविल में आपके लोन शो होता है बाकायदा, और ये जो इनकी ऐप में जब आप लोन लेते हैं तो वहाँ पर 10 year 24 month लिखा होता है, लेकिन 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 बता दूं आपके लिए जो ये लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं वो 15 दिन का प्रोवाइड कराते हैं। अब इनका भी एक तरीका है, ये दिखाते हैं 24 months हैं, कैसे दिखाते हैं बताता हूँ। एक जो पहली EMI है उसमें सब कुछ वसूल कर लेते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरेस्ट और जो भी इनकी तमाम चार्जेस होते हैं वो सब वसूल कर लेते हैं पहली वाली EMI में। जो फर्स्ट EMI होती है 15 दिन बाद जो आपको चुकानी होती है उसमें सब वसूल कर लेते हैं। और जब आप देखेंगे ना सेकेंड EMI तो पता है कितने रुपये की होती है, बहुत ही कम अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने 8,000 का लोन लिया तो शायद 2-400 रुपये जो उनकी 24 month बाद जो चुकानी होगी EMI 24 महीने बाद वो इतने रुपए की होगी। तो अगर आप पहली टाइम पे चुका देते हैं तो लिखकर इनके ऐप में बकायदा लिखकर रहता है कि अगर आपने पहली टाइम पर पे कर दी तो आपको दूसरी चुकाने की आवश्यकता नहीं है EMI। तो पहले में ही सब वसूल कर लेते हो, दूसरे की तो बात ही क्या करें। दूसरी बात, ये इनका एक ऐड हमने देखा था, यहाँ पर इनका जो ब्याज दिखाया गया है वो कुछ दिखाया गया है और कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ और निकल कर आ रहा है। खैर ये सब बातें तो बाद में चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप इनका लोन नहीं चुकाते हैं तब भी आपका सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है। आप समझ रहे होंगे अच्छे से, आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा और फिर आपको आगे लोन मिलने में परेशानी होगी। हो सकता है आपके खिलाफ़ ये जो SI क्रेबा है ये लीगल नोटिस सेंड कर दे आपके पास, और अपने रिकवरी एजेंट तो ये घर भेजते ही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो कहना ही क्या है। और ये बाकायदा जितनी भी लोन एप्लीकेशन है इनके, आप अगर लोन नहीं चुकाते हैं तो इनके रिकवरी एजेंट की तो मैं नहीं कह सकता, घर आते नहीं आते, लेकिन किस्त का तो मैं श्योर हूँ कि इनके रिकवरी एजेंट घर आते हैं। इसके अलावा बता दूं कि क्रेडिट बी ने हमारे एक सब्सक्राइबर को बाकायदा बाई पोस्ट नोटिस भेजा है, ठीक है, लीगल नोटिस। तो हालाँकि वो सेटलमेंट कर रहे हैं उस अमाउंट का, देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट ज़रूर देंगे। तो आप लोगों को बता दूँ कि आपको इनका लोन चुकाना ज़रूरी है क्योंकि ये सिविल में अपडेट करते हैं। अगर ये सिविल में अपडेट नहीं करते होते तो आपको इतनी कोई खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत तब भी होती क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया है, तो पैसा यार किसी से अगर लिया है तो वो देना ज़रूरी है। हालांकि जिसमें अगर मैं बात करूँ तो किस्त के तौर तरीके मुझे अच्छे नहीं लगते पर्सनली, मेरी किस्त के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे चैनल पे कमेंट आते हैं और मैंने खुद फील किया है, मैंने जब उनके कस्टमर केयर से 24 मंथ की लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में जानकारी ली थी तो उन्होंने मुझे एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई थी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप इनका लोन ज़रूर चुकाइएगा क्योंकि अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। और मेरी एक पर्सनल आपके लिए राय है कि आप फिर कभी भविष्य में लोन एप्लीकेशन से लोन ना ही लें तो ही अच्छा है, क्योंकि कर्ज यार वो हमेशा उसका नाम ही बेकार होता है, ठीक है। कर्ज लेकर कोई काम ना करें, मेरा तो यही मानना रहता है। और अगर आपने लोन ले रखा है तो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। और आपके खिलाफ़ अगर बात करूं कि कोई बोलता है कि हम पुलिस भेज देंगे, आपके खिलाफ़ पुलिस बुला देंगे, और इनके एजेंट रिकवरी एजेंट घर आते हैं वो कहते हैं हम आपको पुलिस से पकड़वा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना हम ढिकाना ये कर देंगे, ठीक है। तो यार देखो पुलिस कार्रवाई होना एक सहज नहीं होता है, बहुत सारे उसमें, अगर हाँ आपने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज़ करके लोन लिया है तब भले ही आपके खिलाफ़ पुलिस आ सकती है, लेकिन अगर आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है, जेन्युइन तरीके से लोन लिया है, कुछ भी उसमें गलत नहीं बताया है, तो फिर आपको ऐसे पुलिस उठाकर नहीं ले जा सकती, उसके लिए बाकायदा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। फिर आपके खिलाफ़ कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला देता है तब ऐसा कुछ हो सकता है, पुलिस आ सकती है और आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है।
क्योंकि ये पर्सनल लोन होते हैं, विदाउट गारंटी वाले लोन होते हैं, तो इसमें बैंक के पास कोई असेट नहीं होता है जिसको वो बेच दे, या बैंक या NBFC जो भी इनकी है उसके पास कोई असेट नहीं होता है इसको बेच कर वो अपना लोन चुका सकें। तो वो और कोर्ट इसलिए नहीं जाना चाहती हैं लोन एप्लीकेशन छोटी छोटी, कि 2-4 हज़ार का लोन होता है तो उसके लिए अगर कोर्ट जाओगे तमाम तारीख पड़ेंगी तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहता। लेकिन अगर आप इनका लोन नहीं चुकाते हैं तो देखिए भविष्य में आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका सिविल स्कोर ख़राब हो चुका होगा, हैम्पर हो चुका होगा। और सिविल स्कोर अगर एक बार हैम्पर हो जाता है तो उसको ठीक करना ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन सिविल में वो शो होता रहता है हमेशा कि हाँ ये आपने लोन नहीं चुकाया, ये आपका लोन सेटल हो गया है, ये आपका लोन राइट ऑफ हो गया है, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो भविष्य में ऐसा नहीं है कि आपको लोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज आपको लोन की आवश्यकता नहीं है लेकिन भविष्य में आपको लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बिल्कुल भी इनका कोई रिकवरी एजेंट आके आपसे अगर बदतमीजी करता है, हरासमेंट करता है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। RBI का रूल है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, आपको पहले कॉल करना होगा रिकवरी एजेंट के लिए, तब आपके घर पर आएंगे रिकवरी एजेंट विजिट के लिए। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मैं तो जानता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, ठीक है। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं, DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई सुझाव है चैनल के लिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।